हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस आर्टिकल यू हैव लर्न्ड, क्या पढ़ा प्रीवियस आर्टिकल में? टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के लिए। बट इसी पर बेस्ड एक और आर्टिकल है और सेम ही आर्टिकल है, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसके जो डेरिवेशन होंगे वो सेम वैसे ही हैं जैसे कि स्फेरिकल सेल के थे। तो फिर यहां मैं स्टार डाल के लिख सकता हूं, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a uniformly charged conducting sphere। तो ये आर्टिकल जो है वो सेम वैसा ही है जैसा कि प्रीवियस आर्टिकल जो पहले वाला था। तो फिर यहां दिस आर्टिकल इज सेम एज प्रीवियस आर्टिकल क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। सब चेंजेज कहां होगा? जहां चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है वहां आपको चार्ज्ड स्फीयर करना है, खाली कंडक्टिंग स्फीयर करना है। क्या करना है बताइए? जहां चार्ज स्फेरिकल सेल है वहां चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कर देना है, बाकी डेरिवेशन सेम ऐसा ऐसा आपको कर लेना है। वही रिजल्ट्स होंगे तीनों सिचुएशन के लिए, जब पॉइंट आउटसाइड हो, जब पॉइंट जो ना एट द सरफेस हो, और जब पॉइंट इनसाइड हो। इन तीनों केसेस के लिए जो है वो फॉर्मूला सेम ही रहेगा इस केस में। किसके लिए? ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो ये इस तरीके से आपके पास में दो आर्टिकल हो गए। अब हम एक और आर्टिकल करने जा रहे हैं, तो उसका मैं टाइटल लिखाता हूं, तो ये तो पता लग ही गया है आपको। तो देखिए अगले वाला आर्टिकल क्या है, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट डाउन लिखिएगा, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देयर कैन बी थ्री सिचुएशन सेम एज पर प्रीवियस। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, जब चार्ज नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के बाहर पॉइंट मौजूद हो, तो वी कैन से दैट द पोजिशन ऑफ पॉइंट विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे, ये आपके पास में
एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी एट दी दिस इज सेंटर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज स्मॉल आर दिस पॉइंट इज पी। वी कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट डी आर। क्लियर? इन दिस सिचुएशन द होल चार्ज इज सिचुएटेड, द होल चार्ज जो है वो इसके इनसाइड ही मौजूद होगा। ठीक है, तो ये चार्ज जो है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर हम यहां लिख देते हैं इन फिगर देयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी वेहर ओ पी इक्वल स्मॉल आर। क्लियर? आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट देयर इज ए जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वी इक्वल माइनस इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। क्लियर? सपोज एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी ई, देन वी कैन राइट पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी इक्वल माइनस इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर है। क्या यहां आपके पास में इन्फिनिटी है? सपोज कीजिए हम इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पी पॉइंट तक लाएं तो हमें कितना बड़ा रन करना पड़ेगा? तो हमने स्टार्ट कहां से किया? इन्फिनिटी से। पहुंचा कहां तक? हमें पी तक। तो फिर इन्फिनिटी की पोजिशन जो है वो तो इन्फिनिटी है ही, लेकिन पी की पोजिशन कहां पर है? स्मॉल आर। इसका मतलब लोअर लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और स्मॉल आर तक पहुंच रहे हैं। तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वी कैन राइट एच जैसा हमने पहले वाले आर्टिकल में भी किया था, वी इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर कॉस थीटा क्लियर? बट थीटा इक्वल जीरो डिग्री, देन यू कैन राइट वी इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर कॉस जीरो। ठीक, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि यहां जो माइनस आ रहा है वो हम इन्फिनिटी टू दे रहे हैं, ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, इसलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव, सो देयर इज साइन नेगेटिव। क्लियर? तो वी इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर कॉस जीरो। व्हाट इज कॉस जीरो? कॉस जीरो वन, सो यू कैन राइट। तो तुमने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं यहां पर जो है इससे आगे यहां लिख रहा हूं, देन वी इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर कॉस जीरो वन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी?
तुमने जो है एक आर्टिकल किया था, वो आर्टिकल क्या था, किसी नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से उसके बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती, गॉस लॉ का एप्लीकेशन था, ध्यान हो तो। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था बट ई इक्वल दिस इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो बाई यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, देन व्हाट इज रिजल्ट, रिजल्ट विल बी वी इक्वल माइनस इनफिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक, अब यहां से के और क्यू जो है वो तो कॉमन के रूप में बाहर आ जाएगा, तो फिर इसके बाद मैं यहां लिखूंगा, तो आपने ये बातें यहां से नोट कर ली होंगी, आप इक्वेशन टू तक आ गए होंगे, तो फिर बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहां तक भी लिख लिया होगा, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। देखिएगा v इक्वल माइनस के क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू आर एंड वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर, यू हैव टू इंटीग्रेट 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, देन वी इक्वल माइनस के क्यू आर की पावर माइनस टू डी आर एंड फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। ठीक, ये आपके पास में जो है इंटीग्रेशन करना है, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर माइनस टू, तो वी इक्वल माइनस के क्यू आर पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन एंड लिमिट फ्रॉम इनफिनिटी टू आर। तो व्हाट इज रिजल्ट, वी इक्वल माइनस के क्यू, दिस विल बी माइनस वन अपॉन आर फ्रॉम इनफिनिटी टू आर, क्लियर, आर पावर माइनस वन, माइनस टू प्लस वन करोगे तो माइनस वन, पॉजिटिव बनाओगे तो आर को नीचे लेके जाओगे, माइनस टू में प्लस वन गया तो माइनस वन बच गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, तो फिर यहां सिर्फ के क्यू रह जाएगा। तो अब आप यहां तक इक्वेशन टू इक्वेशन चलिए और यहां तक पहुंचिए, तो फिर हम अगले वाली बात यहां करते हैं, मैं यहां रिमूव कर रहा हूं, आपको ये नोट करते हुए जाना है वहां तक। देखिए v इक्वल, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो v इक्वल के क्यू क्या रहा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इनफिनिटी जीरो, देन वी इक्वल के क्यू अपॉन आर, वी इक्वल क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज फाइनल रिजल्ट, दिस एम्प्लाइज वी प्रोपोर्शनल आर। ये हमने यहां से पढ़ा कि आउटसाइड जो पॉइंट पी है उसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, यदि पी की डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएं इस सेंटर से, देन आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, इट मींस आउटसाइड द चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज होती जाती है। पता लग गया होगा ये आर्टिकल सेम वैसा ही है जैसा आर्टिकल हमने जो है यूनिफॉर्मली चार्ज जो कंडक्टिंग सेल थी उसके कारण से जो किया था उसके भी यही रिजल्ट था और इसका भी यही रिजल्ट है। क्लियर, तो ये आपने नोट कर लीजिए, ये आपका पहला जो है वो पार्ट हो गया कि व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, लेकिन व्हेन द पॉइंट लाइज एट द सरफेस ऑफ, तो सेकेंड पॉइंट हम करने जा रहे हैं, तो मैं इसको सेकेंड पॉइंट कर रहा हूं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, तो व्हाट इज सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन इज व्हेन द पॉइंट लाइज एट द सरफेस ऑफ lies at the surface of
सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ठीक है इन दिस सिचुएशन पॉइंट पी की पी पॉइंट कहां आ जाएगा ये पी पॉइंट सरफेस पे आ जाएगा ये पॉइंट पी और स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर हो जाएगा ठीक है तो फिर हम क्या लिखें हमारे पास में जो इक्वेशन आई थी क्या आई थी पिछले वाले केस में q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r तो फिर इन इक्वेशन v इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r we put small r इक्वल कैपिटल r then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस वी एस इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर ये आपके पास में जो है वो हो गया सेकेंड पोर्शन तो इजी है ठीक है तो फिर यहां पर हम सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकाल सकते हैं तो ये फार्मूला भी सेम ही है जैसा कि हमने कंडक्टिंग सेल वाले केस में किया था उसके बाहर भी जो है फार्मूला ऐसा ही जो है पिछले वाला जो आर्टिकल किया इससे ठीक पहले वाला किया उसी के अकॉर्डिंग ही था और सरफेस के ऊपर भी जो है वो सेम ही है अब आपको क्या करना है एक तीसरा आर्टिकल और लेना है वो तीसरा क्या होगा व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जब पॉइंट कहां लाई करे जब पॉइंट इनसाइड लाई करे तो मैं अब तीसरे पॉइंट पर आ रहा हूं इसको मैं रिमूव कर देता हूं ये आपके पास में रिमूव हो गया और थर्ड व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्लियर व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ठीक है फिगर बनाते हैं इस सिचुएशन के लिए तो ये हमारे पास में वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर ये पॉइंट पी ठीक सेंटर से इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर ये पॉइंट पी जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ई इन ठीक और डिस्प्लेसमेंट और कंसीडर कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट डी आर डिस्प्लेसमेंट कितना है डी आर तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं ये कैपिटल आर रेडियस का एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है पॉइंट पी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है स्मॉल आर है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ई इन इनसाइड और यहां एक स्मॉल जो है डिस्प्लेसमेंट हमने डी आर कंसीडर कर लिया बाकी चार्ज क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर ये चार्ज इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कर लिया तो फिर इन जनरल भी वी नो दैट क्या अगेन बात वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन जनरल भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ई वी इक्वल
माइनस इन्फिनिटी टू आर, माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर के लिए इन जनरल वे यू कैन राइट एस। बट देखिए क्या है, ये आपके पास में इन्फिनिटी और हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, व्हाट सेज डेफिनेशन, डेफिनेशन सेज कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पी तक लाओगे तब कितना वर्कडन करना पड़ेगा, वही वर्कडन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेकिन अब मैं जो बात यहां बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनोगे, आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सरफेस तक लगाओगे लाओगे तो कुछ वर्कडन हुआ कि नहीं हुआ, और वो सरफेस तक जो वर्कडन हुआ था वो आप कैलकुलेट कर चुके कि नहीं कर चुके, कर चुके क्यू अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, इससे ठीक पहले वाला ही, पहले वाली सिचुएशन थी। और जैसे ही सरफेस से हम इनसाइड जाएंगे तो फिर हमें कैपिटल आर से और स्मॉल आर तक जाना है, ये पूरा कैपिटल आर और ये स्मॉल आर तक जाना है, तब हमें इनसाइड वर्क डन और करना पड़ेगा कहां तक जाने के लिए, पी तक जाने के लिए। इसका मतलब हम इस वर्क डन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कहां तक लाने के लिए, सरफेस तक के लाने के लिए, और एक सरफेस से इस पॉइंट पी तक जो है वो जाने के लिए। तो हम यहां लिख सकते हैं बट बट v इक्वल माइनस हम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर आई और e डॉट डी आर करें, और उसके जस्ट बाद प्लस, लेकिन माइनस ही होना है माइनस, फिर हम कैपिटल आर से शुरू करके और स्मॉल आर तक जाएं, ठीक। लेकिन उस केस में, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आपकी इनसाइड होगी, इनसाइड डॉट डी आर। टोटल वर्क डन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फॉर ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट वर्क डन इज कहां से, इनफिनिटी टू कैपिटल आर, इनफिनिटी टू कैपिटल आर, और सेकेंड कैपिटल आर टू स्मॉल आर। बट इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो आउटसाइड वाली होगी, और इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के इनसाइड वाली होगी। तो फिर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, तो इस इन जनरल वे वी को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम इस सिचुएशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये वर्डन आप निकाल चुके हो तो यहां फिर लिखूं बट क्या, माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई डी आर, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। क्लियर है बात, सरफेस तक गए थे तब कितना वर्क डन करना पड़ा था, सरफेस पे पोटेंशियल कितना था, सरफेस पे इतना ही था। तो दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सेकंड टर्म, सेकंड टर्म निकाल, यहां E क्या है, आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दिस इज इन जनरल V, बट फॉर दिस सिचुएशन वी कैन राइट H। तो फिर नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, वो क्या, माइनस माइनस इंफिनिटी टू सॉरी कैपिटल R टू स्मॉल R, कैपिटल R टू स्मॉल R E इन डॉट डी आर, हाउ कैन यू फाइंड आउट, इक्वल माइनस आर टू कैपिटल आर ई इन डी आर कॉस थीटा, ठीक। ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, कौन से स्टेप को, सेकेंड स्टेप को, बट क्या, थीटा इक्वल जीरो डिग्री, देन माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई इन डॉट डी आर, दिस इज इक्वल टू माइनस आर टू आर ई इन डी आर, डी आर कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना हो गया, वन हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आपको जो है वो मेमोरी में रखनी है, आप यहां तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद में यहां लिख रहा हूं, अब इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन सेकंड वो हो गई है, तो हम इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हैं इक्वेशन सेकंड में, और इसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, तो फिर ये चल रहा है, ये अंडर प्रोसेस है, तो मैं इस बात को फिर इधर लिखने जा रहा हूं। देखिए, तो माइनस
आर टू स्मॉल आर ई इन डॉट डी आर दिस इज इक्वल टू माइनस आर टू आर ई इन डी आर। ठीक, यहां कॉस जीरो कितना कर दिया मैंने, वन कर दिया। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, थर्ड दिस इक्वेशन इज थर्ड। बट यहां एक चीज आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी, देखिए क्या, किसी नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर के इनसाइड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आया था और वो थी गॉस लॉ की एप्लीकेशन। ठीक है, तो फिर मैं यहां लिख रहा हूं बट ई इन, व्हाट इज ई इन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ई इन इक्वल क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये फार्मूला था, याद कीजिए आप, आपके डेरिवेशन में है ये रिजल्ट निकाला हुआ। दिस इज इक्वेशन 4। तो व्हाई यूजिंग 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 क्या आया रिजल्ट, माइनस आर टू आर ई इन डॉट डी आर डी आर इक्वल माइनस आर टू आर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई इन, ई इन की वैल्यू पुट कर दें क्यू आर अपॉन क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और डी आर। देखिए ये डी आर का डी आर आ गया, ई इन की वैल्यू यहां से उठा करके मैंने यहां रख दी। ठीक है, तो अब आपके पास में जो है, एक तो इक्वेशन फर्स्ट थी, उस इक्वेशन फर्स्ट में एक वैल्यू तो हमने ये निकाली, वो तो इक्वेशन सेकंड में आ गई, और एक वैल्यू जो है हम इस ई इन डॉट डी आर की निकालने जा रहे हैं, तो हम अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, अभी हम इक्वेशन फोर तक पहुंच गए हैं, तो फिर मैं यहां इसको करने जा रहा हूं आगे। आप इक्वेशन टू इक्वेशन नोट करते हुए जाइए, ये आर्टिकल थोड़ा सा लेंदी बन जाता है। तो फिर माइनस माइनस आर टू आर ई इन डॉट डी आर इक्वल, कांस्टेंट जो है वो बाहर लेकर के आए, माइनस माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, कैपिटल आर टू आर और आर डी आर आर डी आर। देखिएगा मैं कांस्टेंट को बाहर लिख रहा हूं और बाकी वेरिएबल को इनसाइड लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन कीजिए इक्वल माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो देयर विल बी आर स्क्वायर अपॉन 2, तो लिमिट्स कैपिटल आर टू स्मॉल आर। नाउ यू कैन पुट वैल्यू ऑफ लिमिट्स माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, क्लियर। व्हाट इज अपर लिमिट आर स्क्वायर अपॉन 2, व्हाट इज लोअर लिमिट आर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। देखिएगा ये वैल्यू आपके पास में किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई माइनस आर टू स्मॉल आर ई इन डॉट डी आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर कितनी हो चुकी थी यहां 4, और ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई आपके पास में 5। ठीक है, तो फिर ये सेकंड और 5 की जो वैल्यूज हैं, बताइए किसमें पुट करनी है, सेकंड और 5 की वैल्यू किसमें पुट करनी है। तो सेकंड की वैल्यू देखिए क्या थी, वो सरफेस तक के लिए थी, और 5 की वैल्यू कहां थी, सरफेस से इनसाइड तक के लिए थी। दो ब्रेकडाउन हो गए कि नहीं हो गए, एक सरफेस तक आने के लिए और एक सरफेस से इनसाइड तक जाने के लिए। तो दोनों जो वर्क डन हैं उनको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो बताइए कौन कौन सी इक्वेशन को हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फर्स्ट सेकंड, किस किस को यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड और 5 को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर यहां आप तक नोट कर चुके होंगे इक्वेशन 5, मैं फिर जो है वो इस साइड में मैं लिखने जा रहा हूं, तो देखिए क्या आएगा। बाय यूजिंग इक्वेशन
फर्स्ट सेकंड एंड फाइव बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड फाइव वी गेट, बोलिए क्या मिलेगा, देखिए ध्यान क्या मिलेगा। तो अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन आज तक के लिए बस ये इतना ही काफी है। अगले वाले लेक्चर में जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।